इन्होंने मुझे बहुत तंग करना, मुझे सारी सारी रात इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मुझे सताना और मेरे साथ हमबिस्ती करना, और मैं अक जाती थी, थक जाती थी और मैं चीखती चलाती थी, ये नहीं सुनता था। एक दोस्त को लाना, उसने फिर दो को लाना, फिर तीन को लाना, वो आहिस्ता आहिस्ता 10 10 20 20 घर में आदमी आके बैठ जाते थे। अच्छा और मैं सारा दिन उनके लिए कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ, और वो नशे करते थे और ज़बरदस्ती मुझे भी वो ना शराब पिलाते थे, मारना पर पीटना और ज़बरदस्ती मुझे शराब पिला के मुझे नशे की हालत में इस सारे काम में शौहर आपका मुलव्वस होता था, बिल्कुल पास होता था। साथ बैठे होते थे उनके, अपने सामने उसने मुझे मर्दों को मेरे ऊपर वो करवानी, मिलवाना और हम मिस्त्री करवानी। वाले साहब थे वो बीमार थे, मेरी वालदा बीमार थी, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप थे, मेरी बहन थी, मेरे छोटे बहन भाई थे। अगर मैं उनको जाके कुछ शिकायत करती, अपना घर भी इधर से ख़राब करती, वो मेरा घर सारा वहाँ से जो है ना मेरी छोटी बहन के लिए मसले और घर के लिए मसाइल बन जाते। मेरा शौहर यहाँ एक कोने में बैठा होता था सामने, और इधर मर्द बैठे होते थे, और वो उनके सामने मेरे साथ जना कर रहे होते थे, लेकिन वो जो है कुछ नहीं करता था। मैं बाहर जाती थी तो मुझे यही होता था कि ये मुझे मेरे जो है घर वालों को या मुझे कोई नुकसान ना दे, इसका इसने ये बिजनेस बना लिया था अपने, ये बढ़ता जा रहा था। और मैं इतनी अजियत से गुजरती थी, और मैं ये दुआ मांगती थी, या अल्लाह मुझे ले जाए तो या मेरी इस इंसान से जान छूट जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़। दिल को दहला देने वाली कहानी है और ये कहानी सुनने से पहले आप अपने दिल को थाम लीजिएगा। अगर आप छोटे दिल के मालिक हैं तो आप ये वीडियो ना देखें, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। मेरे साथ आप जिस लेडीज़ को, जिस पाकिस्तानी खातून को देख रहे हैं, इनकी एक दिल दहला देने वाली ऐसी कहानी है कि इनका शौहर इनका दलाल बन गया, यानी कि अपना शौहर जिसने अपनी बीवी के साथ निकाह किया, कलमे पढ़े और कलमे पढ़ने के बाद उसने अपने निकाह को हराम किया, हराम करके अपनी बीवी का दलाल बन के अपनी बीवी को शराब पिलाकर, नशा कराकर लोगों के सामने पेश करने लग गया, अपनी बीवी की कमाई खाने लग गया, अपनी बीवी के पैसे खाने लग गया और अपनी बीवी के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता था जो हमें इस पाकिस्तानी खातून ने ऑफ कैमरा बताया। यकीनन आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इनसे बात करके जानते कि कैसे शादी हुई, कि क्या वो जुल्म करता था, कैसी क्या कहानी है। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? हयात। हयात मुझे बताइएगा कि शादी कितना अरसा कबल हुई थी? 6 माह पहले। तो जो शोहर है आपका, उसका आपके साथ क्या रवैया था? शादी हुई किस तरह थी? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, और उसने मेरे पीछे लगा था और वो मेरे घर वालों से उसने रिश्ता लिया था। अच्छा। बाकायदा शादी की थी। शादी के बाद 6 मंथ आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार थी, 3 मंथ आपने पहले बताया, उसके बाद क्या हुआ वो बताइएगा। बस 3 माह के बाद ये चेंज होते गए, इन्होंने मुझे बहुत तंग करना, मुझे सारी सारी रात इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मुझे सताना और मेरे साथ हमबिस्ती करना, और मैं अक जाती थी, थक जाती थी, और मैं चीखती चलाती थी, ये नहीं सुनता था। यार तुम्हारा शोहर इंसान था कि जानवर था कि सारी सारी रात इस तरह अपनी बीवी को तंग करना? बस वो नशे में, उसको कुछ भी नहीं पता होता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उसको बस यही होता था या बस सारी सारी रात ये इस तरह मुझे तंग करना, इसने जलील करना, शोर शराबा करना, लड़ाई झगड़ा करना। उसके बाद क्या हुआ था? किस तरह आप कह रही थी कि वो बंदा मुझे 10 10 मर्दों के साथ मेरी रात गुजारता था, किस तरह ये सारे मामलात हुए थे और वो बंदा किस तरह एक इंसान अपना शोर ये सारा कुछ बर्दाश्त करता है? बस वो आस्ता आस्ता जो है ना, कभी पहले तो वो एक दोस्त को लाना, उसने फिर दो को लाना, फिर तीन को लाना, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तादाद बढ़ा दी, वो आहिस्ता आहिस्ता 10 10 20 20 घर में आदमी आके बैठ जाते थे। अच्छा। और मैं सारा दिन उनके लिए कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ, और वो नशे करते थे और ज़बरदस्ती मुझे भी वो ना शराब पिलाते थे, मुझे शराब पिलानी उन्होंने ज़बरदस्ती, मारना पर पीटना और ज़बरदस्ती मुझे शराब पिला के मुझे नशे की हालत में। इस सारे काम में शोहर आपका मुलव्वस होता था, बिल्कुल पास होता था, साथ बैठे होते थे उनके। नाज़रीन कैसा बेगैरत शोहर वो पाया गया, कैसा बेगैरत शख्स, कैसा बेगैरत इंसान, इंसानियत के नाम पर धब्बा, जो अपनी बीवी को 20 20 मर्दों के सामने
खुद जिस तरह फ्रूट प्लेट में रखकर पेश किया जाता है इस तरह पेश करता था। घर में 20-20 मर्द बुलवा कर उनको खाना खिलवाना, उनके उन फिर उन्हीं को अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करवाना और डूब के मर जाओ ऐसे इंसान। अच्छा फिर क्या होता है? फिर क्या, बस ज़बरदस्ती उसने मुझे धक्के देने, उन मर्दों के ऊपर फेंकना, कभी किसी पे कभी किसी पे, अपने सामने उसने मुझे मर्दों को मेरे ऊपर वो करवानी, मिलवाना और हम बिस्तरी करवानी खुद अपनी आँखों के सामने हुआ उसने ये काम करना। मेरा शोहर यहाँ एक कोने में बैठा होता था सामने, और इधर मर्द बैठे होते थे और वो उनके सामने मेरे साथ जना कर रहे होते थे, लेकिन वो जो है कुछ नहीं करता था। वो ज़बरदस्ती मुझे उन लोगों के ऊपर, मैं अगर कुछ कहती भी थी ना तो वो मुझे मार पिटाई करना, उन्होंने मुझे धक्के मारने और कहना जा। हयात, इतना मुर्दा ज़मीर शख्स अपनी बीवी को सामने बिठा कर 10-10 मर्दों से अस्तग़फ़िरुल्लाह बदफ़ेली करवाता था। बस ऐसे मर्द शोहर कम होते हैं और दलाल ज़्यादा होते हैं, वो दलाली करके तो जो है ना वो मुझे यहाँ पैसे फेंकता रहता, पैसे लेता था उनसे। उसको क्या मतलब होता था, तुम्हारी कमाई खाता था, सब कुछ लेता था, वो सब कुछ देते थे। फिर तुम दबी क्यों, तुमने पहले ये कोशिश क्यों नहीं की मीडिया पर आने की? इसलिए कि मेरे जो वाले साहब थे वो बीमार थे, मेरी वालदा बीमार थी, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप थे, मेरी बहन थी, मेरे छोटे बहन भाई थे। अगर मैं उनको जाकर कुछ शिकायत करती, अपना घर भी इधर से ख़राब करती, वो मेरा घर सारा वहाँ से जो है ना मेरी छोटी बहन के लिए मसले और घर के लिए मसाइल बन जाते, जिस वजह से मैं अपने घर में जाकर शिकायत नहीं कर सकती थी। और वो मुझे घर भी नहीं जाने देता था, वो मुझे घर में ही रखता था और लॉक में रखता था, वो मुझे बाहर कहीं नहीं जाने देता था, ना मेरे घर वाले आ सकते थे ना मैं उनके पास जा सकती थी। मुझे बाहर भी वो जो है ना पैसे लेके भेजता था, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजता था। मैं दिल मेरा डरता भी था, मुझे खौफ ज़्यादा भी होती थी कि मुझे पता नहीं कहाँ भेज रहा है कहाँ नहीं भेज रहा है। मुझे ज़बरदस्ती उन लोगों के साथ भेज देता था, उनसे मुआवजा लेता था, किसी से 20 ले रहा, किसी से 50 ले रहा, कभी किसी से कुछ ले रहा, और ये मुझे उन लोगों के साथ भेज देता था। वो इंसान के हराने के लायक ही नहीं था, वो शोहर बनने के लायक ही नहीं था। क्या फीलिंग्स होती थी जब अपना शोहर, जो निकाह जिसने अपने बीवी के साथ पढ़ा, वही आपको गैर मर्दों के साथ भेजता था, तो दिल में क्या बीती थी, दिल क्या कहता था? दिल में बहुत कुछ आता था, गुस्सा भी आता था, नफ़रत होती थी, और उस शख्स से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत सी आती थी, और मेरा दिल करता था कि इस इंसान को मैं देखूँ भी नहीं और इसको मैं गला दबा दूँ, इस हद तक कि मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा अज़ियतों से, बड़े मसले मसाइलों से मैं गुजरी। मैं बाहर जाती थी तो मुझे यही होता था कि ये मुझे मेरे जो है घर वालों को या मुझे कोई नुकसान ना दे, इसका इसने ये बिजनेस बना लिया था अपने, ये बढ़ता जा रहा था, और मैं इतनी अज़ियत से गुजरती थी, और मैं ये दुआ मांगती थी या अल्लाह मुझे ले जाए तो, या मेरी इस इंसान से जान छूट जाए, कोई ऐसा मेरा कोई बन जाए कोई जरिया कि मैं इस झंझट से और इस चीज़ से मैं छुटकारा पा लूँ। हयात, कितनी देर इस दंदल में तुम फंसी रही हो? तकरीबन 1.5 साल 1.5 साल 6 मंथ। कितनी देर बाद तुमने फैसला किया है कि आज मैंने मीडिया पर आना है और बता देना सारा कुछ? मुझे 6 मंथ हो गए हैं। इस दंदल में फंसे कितनी देर हो गई है? 1 साल हो गया है। 1 साल किस तरह हयात बर्दाश्त करती रही हो? आपकी सेहत भी कमज़ोर सी है, खाना पीना सारा कुछ मुनासिब सही तरीके से मिलता था आपको? मैं सच बताऊँ तो खाना पीना क्या, इस तरह की हराम की कमाई में खाना पसंद ही नहीं करती थी, और मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था। मैं कुछ भी कई कई दिन मैं भूखी भी रहती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, क्योंकि मेरा दिल ही अंदर से ऐसा हो गया था कि मैं भूख ही नहीं लगती थी मुझे, मेरा नफ़रत आती थी, मुझे घिन आती थी अपने आप से कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, और क्यों ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आज 1 साल बाद हयात मीडिया पर आने का कैसे हौसला पड़ा और वजह क्या बनती है? बस 1 साल जैसे मैंने अज़ियत में गुजारा है ना, मैं ये चाहती हूँ कि इस दुनिया की कोई भी माँ बहन बेटी जो भी है वो अपने हिफ्ज़ो अमान में रहे, वो इस दलदल में ना फंसें, वो इस जैसे माहौल से अगर ऐसा माहौल मिले तो वो कोशिश करें कि जल्द से जल्द निकल जाए, मेरी तरह 1 साल उस इंसान को बर्दाश्त ना करें कि जो उसके साथ इस तरह का जुल्म करें। ये जुल्म भी है, ज़्यादती भी है। वो मर्द जिसको औरत की इज्जत और कदर का पता ही नहीं, जो इंसान
एक औरत की इज्जत कदर करना नहीं जानता वो इंसान ही नहीं है, उसको मर्द नहीं खिलाया जाता। नाज़रीन हयात एक साल बाद एक साल उस दंदल में पहले फंस रही है, एक साल के बाद आज मीडिया पर आने की जुरत इसलिए की है कि जिस तरह ज़्यादती हयात के साथ हुई है, जिस तरह का शोहर हयात को मिला है, जिस तरह की ज़िंदगी हयात ने काटी है पूरा डेढ़ साल, उस तरह की ज़िंदगी कोई और बहन ना काटे, उस तरह की ज़िंदगी कोई और बेटी ना काटे, उस तरह की ज़िंदगी कोई और माँ ना काटे। हयात का शोहर हयात को नशा देता था और 10-10, 20-20 बंदों के सामने फ्रूट की तरह प्लेट में रख कर पेश करता था। ये ऐसे शख्स हमारे मुल्क में, हमारे इस्लाम में, हमारी दुनिया में मेरे ख्याल से तब्बा हैं, वो इंसान नहीं इंसानी दरिंदे होते हैं। हयात की स्टोरी आपके सामने रखने का मकसद कोई नेगेटिविटी दिखाने का नहीं, हयात की स्टोरी आपके सामने रखने का कोई वल्गर बातें सुनाने का मकसद नहीं, मकसद ये है आपको दिखाना कि हमारे मुल्क में हमारे मुल्क की बच्चियों के साथ कैसा होता है, आपको अपना जीवन साथी चुनने के लिए क्या करना चाहिए, आपको अपना मियाँ अपना शौहर जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है वो कैसा होना चाहिए, आपने ये फैसला करना है। और ये वीडियो उन माँ बाप के लिए जो माँ बाप अपनी बेटियों को घर से भेज देते हैं, रुस्कत कर देते हैं सिर्फ इसी लालच में आगे कि जो ससुराल वाले हैं वो दहेज नहीं मांग रहे, जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं 3 कपड़ों में हमें बेटी दे दो हम सारी ज़िंदगी गुजार लेंगे। ये नतीजा है 3 कपड़ों में अपनी बेटी देने का, ये नतीजा है ससुराल वालों की तरफ से विदआउट डिमांड निकाह करने का, ये नतीजा है। हयात के साथ जो हुआ आपने खुद देखा है, फैसला आपने करना है सही है या गलत, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह निगहबान।